कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पायरोल की वो आनी चाहिए। ठीक है, आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप जो पिछले वाले लेक्चर हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के वो देख लेना। और आपको क्या पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शन है या वो पायरोल में या थायोफीन में या फुरेन में वो कौन सी पोजीशन पे होने वाली है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तब आप ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको, मतलब ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर आपको पीछे वाला भी नहीं आता तो ये ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको पीछे वाला लेक्चर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी देखो इलेक्ट्रोफिलिक, मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बच्चों। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक चीज़ पहले है उसको हटा करके और कोई दूसरी स्पीशीज वहाँ पे आके लग जाएगी, यही क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखो हमें ये पता है कि पायरोल की जो हम नेमिंग करते हैं भाई कहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, भाई एन को दिया जाता है फर्स्ट पोजीशन, फिर इसको सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मैंने कल क्या सिखाया था आपको, मैंने रीज़न भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर रहेगा भाई आके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ लगने वाली है, या तो लगेगी सेकंड पोजीशन पे, या लगेगी फिफ्थ पे, या लगेगी थर्ड पे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो लगती है सेकंड पे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर फिफ्थ पे होता है, फिर थर्ड पे। ठीक है, तो इसका मतलब तब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे जोड़ने वाले बच्चों? सेकंड पे। अगर सेकंड पे पहले से ही कुछ जुड़ा हुआ है तब आप फिफ्थ पोजीशन के ऊपर उसको जोड़ देंगे। अगर सेकंड भी भरी हुई है और फिफ्थ पोजीशन पे भी कोई जुड़ा हुआ है तब जाके आप कौन सी पोजीशन पे लगाएंगे? थर्ड पे। तो ये ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, पहले सेकंड, फिर फिफ्थ और ये थर्ड लास्ट में। हमें सबसे पहली रिएक्शन पढ़नी है बच्चों नाइट्रेशन। क्या पढ़नी है? नाइट्रेशन। जनरली हम नाइट्रेशन करते हैं बच्चों HNO2 या HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ SL। ठीक है, H2SO4 ले लेते हैं या फिर HCl ले लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हम ये कर रहे हैं एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या है बच्चों? नाइट्रो एसिटेट। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप जो आपके पास पायरोल है, पायरोल की अगर आप रिएक्शन किसी एसिड के साथ करते हैं, किसी भी एसिड के साथ जो कि एच पॉजिटिव रिलीज करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है बच्चों? पॉलीमराइजेशन। क्या स्टार्ट हो जाता है? पॉलीमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? अब वो ध्यान से देखो कैसे वो हो जाता है। इस रिएक्शन को भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख लेना, और नहीं ध्यान रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक टर्म याद रख लेना कि अगर एसिड होता है तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो ऐसा होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है पॉलीमराइजेशन के बाद कि जो एसिड है, एसिड क्या रिलीज़ करता है बच्चों? मुझे बताओ, एच पॉजिटिव रिलीज़ करता है, करता है कि नहीं करता? और ये भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ना, क्योंकि इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहाँ पे आके लग जाएगा बच्चों? यहाँ इस सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, और ये कौन? ये डबल बॉन्ड ही क्या देने वाला है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस एच पॉजिटिव को पकड़ता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एसिड के कारण यहाँ कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है बच्चों? पॉलीमराइजेशन। और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे भी ये जुड़ जाता है, कौन? एक और पायरोल आ जाता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। समझ गए? तो एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन। तो आपको क्या करना होगा नाइट्रेशन करने के लिए? आपको नाइट्रोएसिटेट लेना होगा, और तब जाके यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? NO2। सेकंड पोजीशन पे ही जोड़ना है। अगर बच्चों ऐसा होता कि यहाँ पे कुछ ग्रुप जुड़ा होता, ठीक है, मतलब कि यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा होता, तो आप NO2 कौन सी पोजीशन पे लगाते? तब आप फिफ्थ पोजीशन पे लगाते। ठीक है, और अगर ये भी यहाँ भी CH3 होता, यहाँ भी क्या जुड़ा होता बच्चों? CH3, तब आप कौन सी पोजीशन पे जाते? इस थर्ड पोजीशन पे, यहाँ लगा देते NO2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमें करना है बच्चों सल्फोनेशन, मतलब कि आपको क्या करना है? सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप जोड़ना है, तो आप इसमें किसके एडिशन करते हैं? SO3 की, और पिरिडीन की प्रेजेंस में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आके क्या लग जाता बच्चों? SO3H ग्रुप लग जाता है। ठीक है, ये क्या है? सल्फोनेशन है। फिर अब देखो ये रिएक्शन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी हेलोजन की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? पायरोल के साथ, और यहाँ पे
इतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है बच्चों, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं वो खुद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो चारों पोजीशन पे आके क्या लग जाता है बच्चों, हेलोजन आके लग जाते हैं। देखिए चारों पोजीशन पे क्या लग गया है, आके आयोडीन लग गया है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है, ये आप 11th क्लास से और 12th क्लास में आपने ये रिएक्शन बहुत पढ़ी है, फ्रीडल क्राफ्ट। एक तो पढ़ी थी एल्काइलेशन, एक पढ़ी थी बच्चों एसाइलेशन। ठीक है, ये क्या है, एसाइलेशन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, हम एनहाइड्राइड ग्रुप जोड़ते हैं बच्चों। ये कैसे होता है देखो, मैं एक बार बना देती हूँ। ये कुछ ऐसा ग्रुप है कि यहाँ पे है CO, ये है बच्चों O, और ये है CO, और यहाँ भी है CH3। ये है एसिडिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है बच्चों, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। आपको एक बात याद होगी कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो जितना अच्छा एसिड होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये चीज़ यहाँ से चली जाती है। ठीक है, कब जाती है, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो O पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो क्या इलेक्ट्रोफाइल बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, बना बच्चों। तो ये COCH3 कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे। तो COCH3 यहाँ पे आके लग जाता है। और ये चीज़ क्योंकि यहाँ से इस पोजीशन पे इसने COCH3 ग्रुप ने किसको सब्स्टिट्यूट किया है बच्चों, H को, तो ये इसके साथ H लग जाएगा, तो ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा, CH3COOH। ठीक है, जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ग्रुप आके यहाँ पे लग जाता है, तो यही क्या है, एसाइल ग्रुप है, तो COCH3। ये आप एक चीज़ से और कर सकते थे, किससे, यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड डाल लेते, वो क्या होता है बच्चों, ये है CH3, ये CO और ये CL। ठीक है, तब आप क्या करते, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो एक बारी, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पायरो, यहाँ क्या होता है बच्चों, H, और ये आपके पास क्या है, ये आप लिखिए CL, ये CO CH3। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर चला जाता है, HCl बाहर चला जाता है, और ये ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है COCH3। तो आप फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन एनहाइड्राइड का यूज़ करके भी कर सकते हैं, और एसिड क्लोराइड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। बात समझ हो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रीमर टीमैन रिएक्शन। ये आपने 12th क्लास में याद की होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बहुत ध्यान से एक बार इसको देख लेना। ठीक है, आपको किसके साथ करनी है ये रिएक्शन, पायरोल के साथ आपको ये रिएक्शन करनी है। पायरोल कुछ आप ऐसे बनाते हैं, और इसका जो रिएजेंट होता है बच्चों, जिसकी प्रेजेंस में आप ये करते हैं, वो कौन सा है, आप लेते हैं इसमें CH Cl3, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, KOH के। यहाँ पे बच्चों जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बीन। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बनती है बच्चों, कार्बीन यहाँ पे बनता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो जो ये कार्बीन है, अब इसके पास क्या बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और वही तो क्या है भाई, यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ आ जाता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, तो ये इसको डोनेट करेगा, है ना। अब यहाँ क्या आके लग जाएगा बच्चों, ये N है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, यहाँ बताइए मुझे, आके लग गया CE, और ये Cl2। ठीक है, यहाँ था क्या, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने देखो यहाँ डोनेट हुए थे ना ये इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। पर बच्चों यहाँ पे एक एच भी तो है ना, तो वो क्या कर जाएगा, वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। अब देखो, अब ये कहेंगे भाई ये KOH किस काम के लिए है। अब आपको ध्यान से देखना है कि इस Cl को अलग अलग लिख लीजिए, यहाँ से हटा करके एक Cl यहाँ लिख लीजिए, एक Cl यहाँ लिख लीजिए। KOH कैसे लिखा जाता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे ही होता है। तो देखो दो KOH ले लीजिए, तो KCl यहाँ से बाहर चला जाएगा, एक KCl यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ दोनों जगह आके क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ भी OH लग जाएगा, और नीचे वाली पोजीशन पे भी Cl को हटा करके क्या लग जाएगा बच्चों, OH। तो लगा दीजिए क्या लग जाएगा, यहाँ भी OH लग जाएगा, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, OH। अब आपको ये चीज़ पता है कि एक पोजीशन पे, एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या बाहर निकाल देंगे बच्चों, H2O बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ ऑल ओवर यहाँ पे बच्चों CHO आ जाएगा, जैसे ही आप ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, किसमें, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, और अपना KOH अगर इसकी रिएक्शन आप करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, एल्डिहाइड। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है याद, क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, फिर ये रिएक्शन भी आपने बहुत ज़्यादा की है, इसको क्या बोलते हैं, ये अपना क्या बच्चों, ये मुझे बताओ ये क्या है, इसको बोलते हैं हम बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसे बनाते थे ना आप, ये बेंजीन है,
बेंजीन के ऊपर आप ये N ट्रिपल बॉन्ड और ये N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बहुत अच्छे। अब आपको करना क्या है, इसकी रिएक्शन आपको पायरोल के साथ करनी है। किसके साथ? पायरोल के साथ। अब ये कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना, और इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कपलिंग रिएक्शन। अब एक बार इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है? किसको? डाइजोनियम को। ये H है ना बच्चों, ये H है यहाँ पे, तो आप ये N और यहाँ क्या है, ये Cl और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव है, ये N और यहाँ पे क्या है बच्चों, बेंजीन। बेंजीन को मैं क्या लिख दूँ? PH फिनाइल लिख देते हैं। तो आपको ये पता है कि भाई यहाँ से निकल जाएगा HCl, बाहर चला गया। अब ये क्या है, इस नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या देगा? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस ट्रिपल बॉन्ड का ये जो एक बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे इतने। तो इसको बना दीजिए एक बारी, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब देखो यहीं पे देख लीजिए एक बारी, ये पायरोल है, पायरोल पे ये N जुड़ गया बच्चों, और यहाँ पे क्या आ गया है, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है N, और यहाँ पे क्या है, ये अपना एरोमेटिक का मतलब है, यहाँ पे आपने कोई एरोमेटिक पार्ट जोड़ा हुआ है। वह यहाँ पे फिनाइल भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और भी एरोमेटिक पार्ट हो सकता है। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? कपलिंग रिएक्शन, इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन भी नेमिंग रिएक्शन है, जिसका नाम क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है? गटरमैन कोच रिएक्शन। इसके रिएजेंट क्या बच्चों? HCN, HCl और H2O। HCN, HCl और H2O, यहाँ पे भी आके क्या जुड़ जाता बच्चों? एल्डिहाइड, ठीक है? ऊपर किस में था? रीमेंटीमेन रिएक्शन में। यहाँ पे हमने क्या किया है? HCN, और उसकी हमने क्या की है? हाइड्रोलिसिस, और उसमें एसिड की प्रेजेंस में ये काम किया है। तो यहाँ पे भी आके क्या जुड़ जाएगा? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। और ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमें एसिड बेस कैरेक्टर देखना है, किसका? पायरोल का। अब पायरोल आप ऐसे बनाते हैं, अब आपने ये याद किया भाई, जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, और वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है वो तो बेस होते हैं। पर बच्चों ये एक बेस नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो तो रेजोनेंस में क्या है, बिजी हैं। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो ये किसी और को देगा कैसे? तो ये बेस तो होगा नहीं, है ना? एक बहुत अच्छा बेस नहीं है, ये नहीं है बेस, क्योंकि लोन पेयर अपने डोनेट कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो अभी बेस नहीं है, तो एसिड कैरेक्टर देखते हैं कि एसिड कैसे कहेंगे हम इसको। तो आपको किसी भी चीज़ को अगर एसिड देखना है कि भाई एसिड है कि नहीं है, तो उसकी किसके साथ रिएक्शन करके देखेंगे? अगर वो एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट ज़रूर करेगा, तो वही हम करके देख रहे हैं। या आपके पास पायरोल है, पायरोल की आप किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए? KOH के साथ। तो KOH क्या करेगा बच्चों? जो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो जो नाइट्रोजन के साथ जो H लगा हुआ था वो किस फॉर्म में जाएगा? H पॉजिटिव फॉर्म में। और KOH कैसे ब्रेक डाउन होता है? K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो जो अपने पायरोल ने H पॉजिटिव रिलीज़ किया वो कौन पकड़ लेगा? ये OH नेगेटिव, और पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब K पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? जो N नेगेटिव था, ठीक है ना? तो इससे हमें क्या पता लगता बच्चों कि ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है, ठीक है? एक रिएक्शन से और बता सकते हैं आप, किस रिएक्शन से बता सकते हैं? आप पायरोल लेंगे, पायरोल की आप किसके साथ कर दीजिए? ग्रिगनार्ड के साथ, CH3MgBr के साथ कर दीजिए, ठीक है? आपने एक बात पढ़ी थी कि जो भी क्या होता है, एसिड होता है, अगर वो ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा एल्केन बनाएगा। तो जो पायरोल होता है बच्चों वो भी क्या बना देता है? एल्केन। इसका मतलब ये एसिडिक है, इसका जो H है वो किस नेचर का है? एसिडिक। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है? ये पायरोल, और इस पे बच्चों N पे आ जाता है नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा MgBr, और साथ में क्या निकल जाएगा? ये CH3 है ना, इसको एक H मिल जाएगा और ये बन जाएगा CH4। एल्केन बन गया। इसका मतलब कि पायरोल किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसकी हमें करनी है रिडक्शन। क्या करनी है? रिडक्शन। दो आपको रिएजेंट लेने हैं, उनसे रिडक्शन करनी है। एक बार आपको करनी है H2 और प्लेटिनम से। अगर आप पायरोल की रिएक्शन H2 और प्लेटिनम के साथ करते हैं, तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस हो जाएंगे, और ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देखो, अगर आप इसकी जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड का रिडक्शन होता है, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, इसको पायरोलीन हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगी, ठीक है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ, मतलब हाईली रिडक्शन नहीं हुई है, सिर्फ एक बॉन्ड की रिडक्शन हुई है, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर आप इसको फर्दर रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब ये एक बॉन्ड भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या डाल दीजिए? HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस,
ठीक है, ये ओवर रिडक्शन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों पायरोपोलिडीन में, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी, पायरोल की ऑक्सीडेशन करते हैं, आप K2Cr2OCN की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है, आप नेसेंट ऑक्सीजन ले सकते हैं या आप Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन करनी है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मैलिक इमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, मैलिक इमाइड, मतलब कि जो आपके पास क्या होता है, पायरोल होता है, उसके इस पोजीशन पे भी क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या लग जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ रह जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मैलिक इमाइड, ठीक। अब बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, जिसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या है रिंग, कैसे क्या होगी, एक्सपेंड होगी, रिंग एक्सपेंशन आप उसको बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या लेना है, सबसे पहले तो आपको पायरोल लेना है, पायरोल की अभी जो हमने रीमन टीमन रिएक्शन कराई थी उसकी जो इंटरमीडिएट बना था अपने पास कार्बीन, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपको करानी है इसके साथ, ठीक है। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे अगर इस डबल बॉन्ड को हटा करके और यहाँ इसके क्या रिप्रेजेंट कराओ बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कराओ, इस क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटा दो और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात समझ में आई, मतलब कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, क्या ऐसे देखो कैसे बना, आपको बात समझ में आ गई ना, कैसे इसको जोड़ा गया है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, Cl, एक यहाँ Cl लगा हुआ है, एक Cl, मतलब Cl2 लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, अब देखना, अब हमें क्या करना है, रिंग एक्सपेंड करनी है, मतलब ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, 6 मेंबर रिंग में, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है ये आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करा दीजिए इस वाले बॉन्ड पे, ठीक है। एक बार आप इस पे नॉमनक्लेचर लिख लीजिए, मतलब कि आप इस पे नंबरिंग लिख लीजिए, अभी कौन सा कार्बन कौन से नंबर पे है, नाइट्रोजन को क्या नंबर देंगे, पहला, है ना, और ये कार्बन कौन सा बच्चों, ये है दूसरा, और ये कार्बन हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पाँचवा और ये छठा, है कि नहीं, क्योंकि देखो ये बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अब डबल बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई पड़ने वाली है, ठीक है, रिंग क्या हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और तीसरे पोजीशन पे एक Cl रह जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अभी तक तो एक बॉन्ड आया था और ये दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तीसरा कैसे आएगा, जैसे ही यहाँ पे Cl जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आएगा, तब यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, तो ये क्या हो गई है, रिंग एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपको इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, मैलिक एनहाइड्राइड के साथ करनी है, मैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है तो बच्चों देखो ये बॉन्ड तो ज़रूर आएगा, ठीक है, ये हमने पहले भी किया था, मतलब दो कार्बन आपके पास होंगे, फिर आपको सिर्फ एनहाइड्राइड बनाना है, क्या बनाना बच्चों, एनहाइड्राइड, कुछ ये ऐसे एनहाइड्राइड में ये बॉन्ड तो पक्का होगा ही होगा, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, फिर इसके साथ रिएक्ट करके ये कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक में, और ये नीचे वाला कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, तो देखो ये भी कार्बोक्सिलिक बन गया और ये भी कार्बोक्सिलिक बन गया, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और कौन सी पोजीशन पे आके लग गया बच्चों, सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है ना। अब क्या करना है, रिंग क्लीवेज करनी है, अभी तक क्या चल रहा था, हमने रिंग एक्सपेंड की थी, अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, रिंग को क्लीवेज करना है, मतलब इस रिंग को तोड़ना है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl किसके उसमें बच्चों, हाइड्रोक्सिल अमीन के उसमें, ये क्या है NH2OH और साथ में क्या बच्चों HCl, जैसे ही आप ये रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चों, सक्सीना एल्डिहाइड, ये रिंग यहाँ से टूट जाएगी, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है और ये डबल बॉन्ड NaOH यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड NaOH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी केमिकल रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी किसकी बच्चों, पायरोल की, ठीक है।